साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली दो बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव, और दूसरा, सरकार का अनावश्यक दबाव। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया, एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा? इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, काला धन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। साथियों, करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक, सामाजिक शरण न मिले।
हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी, कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है, ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचाने ही मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं, जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। साथियों, किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, बचाने में सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव भी समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है। जब सरकार और सरकार के विभिन्न विभाग खुद ही आगे बढ़कर हर पात्र व्यक्ति को तलाश रहे हैं, उसके दरवाजे जाकर दस्तक दे रहे हैं, तो जो बिचौलिए बीच में बने रहते हैं उनकी भूमिका भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा हर योजना में
सैचुरेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। हर घर जल, हर गरीब को पक्की छत, हर गरीब को बिजली कनेक्शन, हर गरीब को गैस कनेक्शन, ये योजनाएं सरकार की इसी अप्रोच को दिखाती है। देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखना चाहते हैं तो आज ही तुरंत सब्सक्राइब करें एक्सिस भारत न्यूज चैनल को। बगल में मोबाइल के स्क्रीन पर दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को तुरंत ही प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन तुरंत दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके।